लाल सिंह चड्ढा 2022 की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज में काउंट होने वाली है। 7 डेज की कलेक्शन के बाद भी 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन टच कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो वहीं बहुत से तो रीजंस निकल के सामने आए हैं इस मूवी के फ्लॉप होने के। बॉयकॉट को भी एक बड़ा रीजन माना जा रहा था, लेकिन अब गिप्पी गरेवाल पंजाबी सिंगर एक्टर डायरेक्टर ने बताया है कि क्या है मेन रीजन इस मूवी के फ्लॉप होने का। वो खुद थे इस मूवी की मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन फिर भी ये मूवी क्यों फ्लॉप हुई बताऊंगी आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। मैं इसे लेकर आई हूँ आप सबके लिए लाल सिंह चड्ढा से रिलेटेड एक अपडेट। मूवी रिलीज होने से पहले गिप्पी गरेवाल का एक इंटरव्यू आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे वो लाल सिंह चड्ढा की मेकिंग में इन्वॉल्व थे। लाल सिंह चड्ढा के डायलॉग्स पंजाबी में ट्रांसलेट करने के लिए गिप्पी एंड गिप्पी की टीम लगी थी। गिप्पी गरेवाल ने अपने इंटरव्यू के टाइम बोला था कि वो चाहते थे कि इसके अंदर और पंजाबी टच लाया जाए और पंजाबी एक्सेंट के थ्रू डायलॉग्स बोले जाए, लेकिन आमिर खान ने उनकी टीम ने बोला कि इतना हो पाना मुश्किल होगा तो इसको थोड़ा सिंपल ही लैंग्वेज में रखो। ये काम किया गिप्पी गरेवाल ने उनकी टीम ने एंड डायलॉग को थोड़ा सिंपल वे में उन्हें प्रेजेंट करने को दिए। लेकिन जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी से ही आमिर खान की पंजाबी एक्सेंट के ऊपर बहुत मजाक बनाया जा रहा था। तो अब गिप्पी गरेवाल अपनी नेक्स्ट मूवी यार मेरा तितलिया वर्गा का प्रमोशन चालू कर चुके हैं। उसी मूवी की प्रमोशन करते हुए जब एक इंटरव्यू के टाइम उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में ये दोनों मूवीज बहुत फ्लॉप हुई, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा की बात हो रही थी, तो लाल सिंह चड्ढा में तो आप भी मेकिंग में इन्वॉल्व थे, आपको क्या लगता है कि ये मूवी फ्लॉप क्यों हुई? गिप्पी गरेवाल ने बोला कि मुझे मूवी बहुत पसंद आई, मुझे आमिर खान की एक्टिंग अच्छी लगी, मुझे लगा कि आमिर खान ने अपने करेक्टर को बहुत जस्टिफाई किया, लेकिन जैसा मैंने उन्हें मूवी से पहले भी बोला था कि इसको थोड़ा और पंजाबी टच देते हैं, इसके अंदर और पंजाबी एक्सेंट ऐड करते हैं वो अच्छा होगा, लेकिन उनको सिंपल रखना था इसलिए उन्होंने चेंज किया। इनफैक्ट गिप्पी गरेवाल ने मूवी कंप्लीट होने के बाद स्क्रीनिंग के टाइम भी आमिर खान ने उनकी टीम को बोला था कि इसकी डायलॉग डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हैं, कई पार्ट्स को दोबारा डब करने की जरूरत है, क्योंकि जब पंजाबी एक्सेंट सही से नहीं निकल के आता तो ऑडियंस से कनेक्ट छूटता है एंड वो उसको रिलेट नहीं कर पाते। तो गिप्पी गरेवाल ने बताया कि उनके ही सजेशन देने के बावजूद मूवी में कोई चेंजेस नहीं किए गए, हालांकि उनके सामने एक्सेप्ट कर लिया गया था कि वो चेंजेस होंगे लेकिन उसके बावजूद कोई चेंज नहीं किए गए। कमेंट करके जरूर बताना है कि अगर मूवी में एक्सेंट या डायलॉग डिलीवरी पे थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो मूवी क्या अच्छी परफॉर्म कर सकती थी या नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।